कोविड में भी हम लोगों ने ड्यूटी की है, जब यहाँ लोग अपने माँ बाप को और भाई बहन को लोग छोड़ के चले जाते थे, उस विकट परिस्थिति में हम लोगों ने सरकार का साथ दिया, यहाँ जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनके साथ में हमने काम किया है। 20 साल हो गए हमको सफाई में काम करते, और हमारे भाई कितने भी यहाँ काम करते रहे जो कि वो ख़त्म हो गए। अभी ये अस्पताल में काम करते करते उनका जीवन यापन हो चुका है। जब भी अपन सैलरी की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि करना हो करो और नहीं चले जाओ यहाँ से, हमारे पास दूसरे आदमी भी हैं। आपके लिए सरकार के क्या मायने हैं? एक ऐसी व्यवस्था जो आपकी मूलभूत जरूरतें आपके दिए टैक्स के पैसों से पूरी करे, आपके लिए रोटी, कपड़ा और मकान, आपके लिए बिजली, सड़क और पानी, आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, आपको बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले और आपको अपने परिवार का पेट पालने के लिए जरूरी माहौल तैयार करना भी सरकार का दायित्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अपने दायित्व से कैसे पीछे हट रही है? आप तक पहुंचने वाली सुविधाओं को ठेकेदारों के भरोसे छोड़कर। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका प्रदेश ठेके पर चल रहा है। कैसे? मध्य प्रदेश सरकार के 56 विभागों में काम करने वाले 80% कर्मचारी ठेके पर हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था हो या शिक्षा व्यवस्था, नगर निगम हो या कलेक्ट्रेट, यहाँ पीछे के दरवाजे से 80% काम निजी ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दिया गया है। शासन या कि जो सामंतवाद, पूंजीवाद के लोग हैं, उनको बड़ा बनाने की एक प्रथा है कि हम एक बड़े शासन का जो टाई अप होता है वो बड़े समुदाय से होता है, उन समुदायों को, उन इंडस्ट्रियों को रख देती है, ये ठेके दे देती है, तो वो अपने माध्यम से काम करा के हमें ऐसा लगता है कि संलिप्तता दोनों की होती है, उस माध्यम से ये बढ़ने का काम करते हैं। और ये जो प्रथा है वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं शोषण को बढ़ावा देती है, गरीबी को बढ़ावा देती है और एजुकेशन के सेक्टर का भी कहीं ना कहीं मापदंड को कम करने का काम करती है। कहते हैं ना कि जब हम ठेके पर अनस्किल्ड पे काम करते हैं तो हमारा एजुकेशन नहीं पूछा जाता, अशिक्षित भी हैं तो हमें रोज़गार मिलेगा, उस उद्देश्य से जो आज का समाज है वो शिक्षा के दृष्टि से भी नहीं जुड़ पा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में ना जाके मजदूरी के क्षेत्र में जा रहा। तो 88 से अभी तक मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले सुरक्षा गार्ड में थे, जब नई वाली हॉस्पिटल मैंने जब नए खुदाई थी तब से मैंने कहा कि चालू किए थे, तो अभी तक मैं गार्ड में मैंने कहा कि रहते, अब मेरी करीब 4-5 साल से अभी मैं आ गया माली पोस्ट में, वह इतने दिन तक मैंने पूरी उम्र तो मैंने वो कर दिए, तो मैंने कहा कि यहाँ परमानेंट तो आज तक नहीं हुआ हमारा, चाहते हैं कि मैंने कहा कि परमानेंट में हो जाए कि संविदा में हो जाए, कुछ भी हो जाए तो कुछ मैंने 2 पैसे के लाभ हो जाए, बाल बच्चे में भी पले हम, तो मैंने कहा कि ये प्राइवेट में जब तक मेरी ज़िंदगी जब तक मैंने कहा कि चले रहेंगे तो फिर वहाँ पर कोई काम लग नहीं रह जाएंगे। अभी तक शासन कोई वैकेंसी के लिए नहीं सोची है कि इनका भला करे इतने पुराने कर्मचारी हैं। हम लोग कोविड में भी इतना काम किए हैं कि जो लावारिस मरीज हैं और कोरोना वाले जो मरीज़ हैं उनके साथ नहलाना धुलाना, खाना पीना खिलाना, और अपना परिवार छोड़ के हम लोग 3-3 महीने क्वारंटाइन रहे, उसका पैसा हम लोगों को कुछ नहीं मिला, ना कोई लाभ मिला, हम लोग को लेटरिन के डब्बे में खिचड़ी देते रहे हैं नाश्ता के लिए, खाना के लिए। अभी जो कंपनी है तो शायद 22,000 रुपये में कुछ इनका बिल रिलीज होता है, जिसमें से 8,300 रुपये ही देते हैं, और 800 रुपये से हम लोग काम करते आए हैं, आज 20 साल हो रहे हैं काम करते करते। अभी शासन ने लोक सेवा केंद्र के जो शुल्क है उसको भी घटा दिया है, जिससे कि हम लोगों की नौकरी और वेतन दोनों में समस्या आ रही है ना। संचालक का कहना है कि हम कलेक्ट्रेट नहीं दे पाएंगे और जो एम्प्लॉय है उनको भी कम करेंगे। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कि हितग्राहियों को यहाँ से सेवाएं मिलती हैं, 52 विभागों की 700 सेवाओं का क्रियान्वयन हम लोग करते हैं, और हम लोग के लिए शासन ने कोई नीतियाँ नहीं बनाई है, जिसके लिए हम लोग थोड़ा सा मतलब नाखुश हैं शासन से कि इस तरह की कोई हम लोग के लिए उन्होंने कुछ निर्धारण नहीं किया है कि हम लोगों का क्या है भविष्य। अभी हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं, अब उम्र के इस पड़ाव में है कि हम तो कोई दूसरा काम भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को तो सबसे मूल समस्या है वेतन का, 8 से 10 हज़ार रुपये वेतन मिलते हैं, उसमें भी वेतन हमेशा काट ले जाते, किसी महीने 8,000 किसी महीने 9,000, और PF SIC तो आज तक मिलता ही नहीं।
और जैसे आउटसोर्स वाले एक्सीडेंट हो जाते पोल में चढ़ के या करंट में, तो उनका कोई भी वो नहीं मिलता है। उनके परिवार को भी एक रुपए भी नहीं मिलते हैं, उनको कुछ सहायता मिल सके, कम से कम 20-25 लाख रुपए मिले जैसे वो अपने भरण पोषण कर सके, मगर सरकार की तरफ से कोई भी वो दिखावटी के लिए 3-4 लाख रुपए बोलते हैं कि देंगे, मगर वो भी सही टाइम पे नहीं देते। किसी दुर्घटना स्थल में सबसे पहले पहुंचने वाला डायल 100 एम्बुलेंस 108 सरकार की नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में 3 लाख कर्मचारी हैं, जिनमें 2.5 लाख ठेके पर हैं। डिजिटल इंडिया में सरकार के लगभग सभी काम कंप्यूटर पर निर्भर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश सरकार के पास एक भी कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, सारे कंप्यूटर ऑपरेटर ठेके पर हैं। लोगों के लिए कौशल विकास की योजनाएं तो लाई जा रही हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है व्यावसायिक शिक्षा देने वाले शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हुई है। व्यावसायिक शिक्षा देने वाले शिक्षकों को भी कंपनियां ठेके पर उपलब्ध करवाती हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्स को छोड़कर सभी कर्मचारी ठेके पर हैं। आउटसोर्स कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, अनुबंधित कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारियों की संख्या 10 से 12 लाख है। क्लास 4 जिसका सबसे ज्यादा शोषण होता है, इसको अपने दफ्तर का हर कोई कर्मचारी इसके साथ शोषण करता है और सरकार करती है, एजेंसियां करती हैं। पिछले 20 साल में क्लास 4 और क्लास 3 की कोई जगह नहीं निकली है, सारी की सारी आउटसोर्स है। कर्मचारी जो MPV में है उनके दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है, उन्हें मुआवजा तक नहीं मिलता है और यहाँ तक कि उनको सुरक्षा उपकरण तक एजेंसियां उपलब्ध नहीं कराती हैं। इस एक तरीके से हमारे आउटसोर्स कर्मचारी बहुत जोखिम पूर्ण काम करते हैं, इसके बावजूद भी न उनका बीमा है, न कोई स्वास्थ्य की सुविधा है और ना ही उनको किसी तरीके के अन्य सुविधाएं मिलती है जो उनको कानूनन तौर पर मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में केवल अधिकारी हैं, बाकी सब ठेके पर है। आपने कभी सोचा कि पिछले 20 सालों में ऐसा कैसे है कि ग्रुप 4 और ग्रुप 3 कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं की गई? क्योंकि इनके द्वारा किए जाने वाले कामों का जिम्मा ठेकेदारों के पास है। सरकारी जुमले में इसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है, यानी भर्ती ना करनी पड़े और बाहरी ठेकेदारों से काम चलाओ स्टाफ से काम चलाया जाए। काम चलाओ ठेके के कामगार कैसे काम करते हैं, इसे आप बिजली विभाग के कामकाज से समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड यानी MPEB में कुल 60,000 कर्मचारी काम करते हैं, इनमें से 55,000 ठेके पर हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि गांव के ट्रांसफार्मर महीनों नहीं बदले जाते। किसान परेशान होते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ठेके पर चल रही सरकार ने आपके लिए क्या किया, ये आप बेहतर समझते हैं। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य भी किसी ठेकेदार के भरोसे छोड़ सकते हैं? नहीं ना, तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपना हक मांगना पड़ेगा। पूछिए, मांगिए, आपका हक है। चुप रहना विकल्प नहीं।